जेएमएम के महाधिवेशन में पाथी अपने ऊपर मंथन करने के साथ ही कई तरह के अहम फैसले भी लिए गए हैं। आपको बताते चले कि जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष और सांसद शिबू सोरेन का कहना है कि उन्होंने राज्य की बागडोर पूरी तरह से हेमंत सोरेन को सौंप दी है। इस मौके पर उन्होंने बोला कि राज्य का विकास करना है तो नशा छोड़ना होगा। साथ ही शिबू सोरेन ने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए राज्य को आगे ले जाने की बात भी कही है। यहां आपको ये बताते चले कि पार्टी के महाधिवेशन में सर्वसम्मति से शिबू सोरेन को 10वीं बार जेएमएम का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वैसे पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो के बाद से शिबू सोरेन लगातार अध्यक्ष पद संभालते हुए आ रहे हैं। कार्य समिति में नामों का चयन करने के लिए शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि सीता सोरेन का क्या मिलेगा। पार्टी को मजबूत करने में सीता के पति दुर्गा सोरेन का अहम योगदान रहा, लेकिन इस आयोजन में उनका एक फोटो तक नहीं लगाया गया। कह रहे हैं बात यही उठती है कि लगातार हेमंत पर निशाना साधती रही सीता सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है।